नमस्कार, आज हम आए हैं मुरादाबाद के लोधीपुर गांव में महेश शर्मा जी से मिलने, जिन्होंने अभी अभी मेडफो से अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया है। तो चलिए जानते हैं अब उनको कैसा महसूस हो रहा है और वो अपने रोजमर्रा के काम ठीक ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम महेश शर्मा। क्या दिक्कत हो रही थी आपको? मुझे एक साल से आंखों में धुंधलापन चमकता था, एक साल से परेशानी थी। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था? कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आप अपने रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहे थे? ना, नहीं। तो आपको पता चला था कि आपको मोतियाबिंद है आंखों में? हाँ, बताया तो हुआ भी था कि मोतियाबिंद का पानी आ गया है। अच्छा, लेकिन वो पैसा मांगते थे मुझसे। अच्छा, कितने पैसे मांग रहे थे आपकी सर्जरी के लिए? पहले तो दवाइयाँ देनी शुरू करनी, बोले पहले आप इलाज कर, दवाई खाओ, उसके बाद में करेंगे। अब आपकी सर्जरी मेडफो से हुई है तो इन्होंने भी क्या पैसों की डिमांड की थी? नहीं नहीं, इन्होंने कोई ना कोई डिमांड किया, ना मेरा बिल्कुल कोई ना कोई पैसा लगा, बिल्कुल फ्री सर्जरी। हाँ, करवाई बिल्कुल फ्री से सर्जरी हुई है। आपको मेडफो के बारे में कैसे पता चला था? ये गांव में आया और इन्होंने हमसे समझाया, बोले आपकी कोई परेशानी नहीं होगी, ना कोई दिक्कत आएगी, ना कोई पैसा लगेगा आपको। तो इनकी सुविधा कैसी लगी आपको? इनकी सुविधा ये लगी कि ये गाँव में आया और इन्होंने हमारा नंबर लिया, हमने इनका नंबर लिया, इन्होंने फ़ोन करा हमारे पास, हम इनके फ़ोन पर फौरन इनके पास पहुंचे और हमारा कोई ना कोई पैसा लगा, ना कोई परेशानी आई है। पहले आपको डर लगा था कि ये लोग भी पैसे मांगेंगे? नहीं नहीं, जब इन्होंने बताया कि आपका कोई पाई पैसा नहीं लगेगा, हम जैसे बताया इन्होंने वही कोई ना कोई पाई पैसा मांगा है ना कोई लगाया है। अब आपको कैसा दिखाई दे रहा है अंकल जी, एक बार चश्मा हटा के दिखा दीजिए। मुझे सही दिखाई दे रहा है, अपना काम काज सही रूप से कर रहा हूँ। अब आप रोज का काम आपका जो भी है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप सही से कर पा रहे हैं। आप और लोगों को बताएंगे मेडफो की? बिल्कुल बताऊंगा। एक और है, वो मिले न्यूज में बाजार का दिन था, उन्हें काम सब्जी वब्जी बेचनी थी, तो उन्हें भी मैं भेजूंगा। धन्यवाद मेडफो, मैं दोबारा रोशनी लाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ।